दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रेम और आप देख रहे हैं टेक ताज़ा। दोस्तों आप में से बहुत लोग वेबसाइट बना के एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हो बट आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आप में से जो इम्पोर्टेंट पेजेस रहते हैं वो आप नहीं बनाते हो। तो जैसे कि आपने कोई नया ब्लॉग बना दिया, आपने उस पर कंटेंट डाल दिया, आर्टिकल्स डाल दिए, बट बहुत बार जो नए ब्लॉगर रहते हैं वो उनको नहीं पता रहता है कि जो कुछ मैंडेटरी पेजेस है वो भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उन्हीं पेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ, चार ऐसे पेजेस कि जिनकी आपके वेबसाइट पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वेबसाइट पे वो पेजेस नहीं रहेंगे तो गूगल आपका जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करता है, वो चेक भी नहीं करेगा कि आपके पास कितना क्वालिटी कंटेंट है, क्या है। तो जिन पेज की मैं बात कर रहा था आप देख सकते हैं, मैंने मेरा वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया है। अबाउट अस है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस। तो आप कोई भी वेबसाइट अगर बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये चार पेजेस बनानी है, क्योंकि अगर आप उसे आगे जाके एडसेंस के लिए भेजोगे, ऐड अप्रूवल करने के लिए भेजोगे, ऐड आप लगाना चाहते हो, तो जितने भी बड़े ऐड नेटवर्क हैं उनके लिए ये पेजेस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ये पेजेस नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। तो ये पेजेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में ही ये वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, तुरंत तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ताकि आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप कहीं मिस ना कर दो। तो दोस्तों इन चार पेजेस में से जो दो पेजेस है अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये पेजेस जो होती है वो आपको ही बनानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये प्री मेड नहीं मिलती है, अगर आपको उसका टेम्पलेट नहीं मिल जाता है आपको खुद के बारे में ही अबाउट अस में लिखना है, आप मतलब वेबसाइट क्या है, आप क्या करते हो। और सिमिलरली आप कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना सकते हो या सिंपली एक लाइन में या दो लाइन में टाइप कर सकते हो, थैंक्स फॉर विजिटिंग अवर वेबसाइट, इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद अस प्लीज़ राइट अ मेल एट, जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा वो वहाँ पर आप डाल दो। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट पेज भी डिज़ाइन कर सकते हो, या अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो वर्डप्रेस पे बहुत सारे प्लगइन्स है, उसकी मदद से आप कोई भी फॉर्म वहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप ब्लॉगर पे हो तो ब्लॉगर पे कैसे कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी चेक करना, तो आपको ब्लॉगर में भी उसका हेल्प हो जाएगा। और ब्लॉगर में कॉन्टैक्ट पेज आप फॉर्म की मदद से इजीली बना सकते हो, पर अगर आपको फॉर्म नहीं बनाना है तो जैसे कि मैंने पहले कहा आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे जस्ट दो लाइन टाइप कर दो और वहाँ पे आपका ईमेल आईडी मेंशन कर दो। सिमिलरली अबाउट अस में भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लिखे, दो तीन लाइन में भी शॉर्ट लिखे आप क्या करते हो, आपकी वेबसाइट किसके बारे में है, और आपका अबाउट पेज भी क्रिएट हो गया। बट बात आती है मेन जो है डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, बिकॉज ये दो पेज है वो आप खुद से नहीं लिख सकते। बिकॉज प्राइवेसी पॉलिसी की जब बात आती है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो आपको कवर करनी पड़े। तो आप कैसे करोगे तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट गूगल में जाके सर्च करना है पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, यहाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट हुआ नीचे जो सजेशन में आया था, तो आपको सिलेक्ट करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो जब भी आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो, बट आपको ये सारे रिजल्ट में नहीं जाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहली ही वेबसाइट रहेगी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो उसको ही आपको ओपन करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो, बिकॉज आपको फ्री में चाहिए। बहुत सारे अदर वेबसाइट्स हैं वो आपको चार्ज करते हैं, बट ये वाली जो वेबसाइट आपको फ्री में पॉलिसी प्राइवेसी जनरेट करके देती है। तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है और एक राइट हैंड साइड में बॉक्स है, वहाँ पे आपको कुछ डिटेल एंटर करनी है, जैसा कि सबसे पहले आपको आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद वेबसाइट का नेम डालना है आपको, वेबसाइट का जो भी आपका नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वेबसाइट का नाम है टेक ताज़ा, तो मैं यहाँ पे टेक ताज़ा डालूँगा, तो यहाँ पे www नहीं डालना है आपको, यहाँ पे आपको टेक ताज़ा डालना है, जो भी आपका नाम रहेगा वो आपको एंटर करना है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको वेबसाइट का URL आपके देना है, वो आप www या http यूज़ करके भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी रहती है, जैसे कि आप कुकीज़ यूज़ करते हो तो यस करना है, आपको एडवर्टाइजिंग आप गूगल एडसेंस से करोगे वो भी यस करना है, और अगर आप थर्ड पार्टी अदर देन गूगल
के ऐड रन करने वाले हो तो वहाँ पे भी आपको यस करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यहाँ पे यस रहने दो, क्योंकि फ्यूचर में नेवर नो आप नेटिव ऐड भी यूज़ कर सकते हो। एमजीड हो गया, टेबुला हो गया, आउटब्रेन हो गया, तो उन जैसे कंपनीज़ के भी अगर ऐड आप यूज़ करोगे तो वो यहाँ पे टिक मार्क यस होना चाहिए। तो आगे जाके नेक्स्ट कर दो। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, बिकॉज कंट्री स्पेसिफिक भी कुछ चीज़ें रहती है, वो आपके प्राइवेसी पॉलिसी में ऐड हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे अभी इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टेट आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी वेबसाइट कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप एंटर कर दो, और जस्ट आपको उसके बाद जनरेट माय पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है, और ये आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो यहाँ पे बना के रेडी हो गया है और जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली। जस्ट आपने थोड़ा बहुत डेटा उसको एंटर करके दे दिया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्राइवेसी पॉलिसी आपके लिए बनाया। अभी आप दो तरीके से इसको डाल सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। एक यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये टेक्स्ट है ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और दूसरा है ये HTML, आप इसको HTML में जाके पेस्ट कर सकते हो, तो वो फॉर्मेटिंग आपकी डायरेक्टली आ जाएगी। तो अभी सबसे पहले हम HTML लेके देखते हैं। अभी बात आती है कि आप इसको पेजेस में कैसे बनाएंगे। अगर आप ब्लॉगर पे हो या वर्डप्रेस पे हो तो सिंपल है, बिकॉज वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन रहता है पेजेस का। मैं आपको वर्डप्रेस भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ ब्लॉगर भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ब्लॉगर चेक करेंगे कि ब्लॉगर में आप प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो कैसे ऐड कर सकते हो। तो अभी ब्लॉगर ओपन हो गया, आप देख सकते हो। जस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पेजेस, और पेजेस में आप आने के बाद अगर आपने कोई पेजेस यहाँ पे क्रिएट नहीं करे किया रहेगा पहले तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। बस आपको प्लस पे क्लिक करके आना है, आपका न्यू पेज वाला जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये वाले साइन पे क्लिक करना है अगर आपने HTML का कोड कॉपी किया है। फिर आप कंट्रोल ए करके उसे पेस्ट कर दो, कंट्रोल ए करके कंट्रोल पेस्ट कर दो वी करके, फिर आप नॉर्मल व्यू में आओगे, विजुअल व्यू में आओगे तो आपको दिखेगा कि आपका ये पूरे का पूरा यहाँ पे आ गया है। तो मैं ऊपर का जो हेडिंग है वो हटा दे रहा हूँ, बिकॉज क्या होगा दो दो हेडिंग हो जाएंगे और वो दिखने के लिए ख़राब दिखेगा, इसलिए मैं ऊपर वाले हेडिंग को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अभी ये जो फॉर्मेटिंग उसकी है वो भी मुझे रिमूव करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं यहाँ पे उसे ऊपर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ। तो बहुत टाइम से मैंने ब्लॉगर यूज़ नहीं किया, ये अभी चेंज हो गया कम्प्लीटली। पहले तो उसके जो लेआउट था वो काफ़ी अलग था, अभी काफ़ी अलग हुआ है, तो थोड़ा सा ठीक है, इसका भी फॉर्मेटिंग रिमूव कर देते तो ये प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा, आ गया। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा। तो यहाँ पे उसको चेक करके देखते, मैंने इसको रिनेम कर दिया, मैंने इसको प्राइवेसी पॉलिसी 2 कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पेज कम्प्लीटली आ गया यहाँ पे पूरे के पूरा जैसे कि मैंने पेस्ट किया था। तो इसी तरह से आप इसको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हो। अभी दूसरी चीज़ है वो डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर को भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, आपको सिर्फ सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर, वहाँ पे भी आपको पहली लिंक आ जाएगी, सेम साइट है बट डोमेन नेम डिफरेंट रहेगा, डिस्क्लेमर जनरेटर डॉट नेट रहेगा ये वाली जो है। और आपको बस जो डिटेल आपने जैसे एंटर की थी प्राइवेसी पॉलिसी में, सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है, बिकॉज आपका वेबसाइट सेम है। अगर आप अलग वेबसाइट के लिए बना रहे हो तो ऑब्वियस है आपको वो वेबसाइट का नाम और एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी आप सेम डेटा यूज़ करेंगे जो हमने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यूज़ किया है। और जब भी आप ये वाली बनाओगे तो ऐसा मत करो कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम सेम है बट प्राइवेसी पॉलिसी में अलग ईमेल आईडी दिया है, डिस्क्लेमर में अलग ईमेल आईडी दिया है, तो इससे इंप्रेशन ख़राब गिरता है। तो एक ही ईमेल आईडी आप यूज़ कीजिए। तो अभी इस हो गया, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। सेम कंट्री सिलेक्ट करूँगा, स्टेट सिलेक्ट करूँगा और वापस से ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूँगा और जनरेट कर दूँगा। तो जनरेट करने के बाद आप देख सकते हो जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी आया था वैसे ही डिस्क्लेमर आ गया, बट इस बार मैं HTML कॉपी नहीं करूँगा, इस बार मैं ये जो टेक्स्ट दिया गया है वो उसको कॉपी करके पेस्ट करके आपको दिखा दूँगा। आप दोनों कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या HTML के जो कोड्स उन्होंने बनाए वो आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। वापस मैं ब्लॉगर पे आता हूँ, न्यू पे क्लिक कर देता हूँ
और अभी मैंने जो कॉपी किया है डिस्क्लेमर, वो मैंने इस बार मैंने हेडिंग नहीं कॉपी किया, मैंने जो नीचे से जो चाहिए था वो कॉपी कर लिया यहाँ पे और उसको भी पेस्ट कर दिया। बस अभी उसको नाम देना होगा आपको, जो पेज का नाम है टाइटल व टॉपिक वो आपको देना पड़ेगा डिस्क्लेमर्स करके, और मैंने इसको 2 दे दिया, ऑलरेडी डिस्क्लेमर पेज है यहाँ पे, और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद ये वाला पेज क्रिएट हो चुका है। मैं ये भी रिफ्रेश करता हूँ, ये भी प्रीव्यू बता रहा है, वो ड्राफ्ट दिखा रहा था, बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हो प्रीव्यू में आपको मोबाइल में कैसे दिखेगा, टैबलेट में कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा, इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये ब्लॉगर की नई वाली अपडेट में आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो पुरानी वाली अपडेट में ये नहीं, पुरानी वाली ब्लॉगर पे ये नहीं था। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि वो मेरा जो पब्लिश हुआ है वो पेज दिख जाए यहाँ पे। अभी दिख रहा है पब्लिश है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको वर्डप्रेस दिखा देता हूँ, वर्डप्रेस पे भी आप कैसे कर सकते हो। वर्डप्रेस में भी आपको पेजेस का ऑप्शन ढूंढना होगा और वहाँ पे क्लिक करके आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। तो जब भी आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हो, जैसे कि आप नई पोस्ट बनाते हो, उसी तरह का इंटरफेस आपको मिल जाता है, बट जो यहाँ से आप क्रिएट करोगे वो पेज में कन्वर्ट होता है, ना कि पोस्ट में कन्वर्ट होता है, बिकॉज आपने पेज वाले ऑप्शन से इसको सेलेक्ट किया है। बस यहाँ पे आपको जो टाइटल है वो ऊपर देना है हेडिंग में, और उसके बाद ये जो सारे का सारा आपने कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। सिमिलरली प्राइवेसी पॉलिसी को भी आपको फॉलो करना है, और आप सेम वे में इसे भी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप HTML कोड चाहिए तो पेस्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट करके ही करो, काफ़ी ईजी है और फॉर्मेटिंग भी मेंटेन रखेगा, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे आप उसको कैसे ऐड कर सकते हो लिंक को। आप जब भी ब्लॉगर के लेआउट ऑप्शन में जाओगे तो आप टाइटल तो दे दोगे हेडिंग का, मेन्यू का, बट आप उसको लिंक कैसे ऐड करोगे। तो लिंक ऐड करने के लिए आपको उसको व्यू पेज करना होगा पब्लिश करने के बाद, तभी आप उसकी जो एक्चुअल लिंक है वो चेक कर पाओगे यहाँ पे। वो लिंक आपको कॉपी करनी है, फिर आपको लेआउट ऑप्शन में आना है। लेआउट ऑप्शन में आने के बाद जहाँ पे आपको मेन्यू ऐड करना है, मेन मेन्यू में ऐड करना है, फूटर में ऐड करना है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पे मैं मेन मेन्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेन्यू अवेलेबल है उसमें से किसी को एक को मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। तो मैं इस फीचर्स को एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, और नीचे जो हैश लिखा हुआ है वहाँ पे मैं वो लिंक जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके सेव कर दूँगा। और अभी मैंने ये लेआउट को भी सेव कर दिया है, और भी पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। फीचर की जगह हमें वहाँ पे आएगा डिस्क्लेमर, आप देख सकते हो डिस्क्लेमर आ चुका है, बट वहाँ पे ड्रॉप डाउन इसलिए है कि मेन्यू के जो अंदर ड्रॉप डाउन थे मैंने वो हटाए नहीं सब मेन्यू, इसकी वजह से वो दिख रहे हैं। बट आप डिस्क्लेमर पे क्लिक करोगे तो आपका पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो अब देख सकते हो मैंने जो नीचे उसके जो सब मेन्यू थे वो हटाए नहीं, इसकी वजह से वो सब मेन्यू दिख रहे हैं। बट आप उसे हटा दो, जब भी आप डिस्क्लेमर पेज रखोगे तब आप उसको हटा देना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, और अगर आपने अभी तक टेक ताज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, तुरंत तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कहीं मिस ना कर दो।